सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया, हम इस स्लाइड को कल डिस्कस करें। जी, तो अभी हम लोग अभ्यास दो के स्टेप सिक्स को स्टडी कर रहे थे और हमने देखा था कि दो तरह से हम एक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने जो अध्ययन किया था उसमें ये निकल कर आता है कि यदि मान्यता आधारित संस्कार है तो प्रतिक्रिया पूर्वक जीना होता है, हम परतंत्र होते हैं। तो संवेदना के जो ये तीन स्रोत हैं उनमें से कोई भी स्रोत अगर हम लें और अगर हमारे अंदर कोई मान्यता काम कर रही है तो उसी के आधार पर मैं उसको अर्थ देता हूँ और फिर उसके अनुसार मैं निर्वाह करता हूँ। तो जैसे अगर इसी में देखें तो बाहर कोई घटना घटित हो रही है, दूसरे का कोई व्यवहार है, कार्य है, शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, उससे कोई संवेदना उत्पन्न हो रही है या शरीर में कोई घटना हो रही है उससे संवेदना उत्पन्न हो रही है, तो मैं संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। मैं अपने संस्कार जो मान्यता आधारित है उसके साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। फिर संवेदना को पढ़ने के आधार पर बाहर की घटना का, दूसरे का व्यवहार कार्य का आकलन करता हूँ। तो जैसे कोई शब्द है, ध्वनि है, उसको मैं फिर कुछ अर्थ देता हूँ और फिर दूसरे के व्यवहार के बारे में जो मेरा आकलन होता है, वैसे कोई भौतिक रासायनिक घटना होती है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कुछ संवेदना उत्पन्न होती है, उस घटना के बारे में मेरा आकलन होता है। तो मैं अपने शरीर की स्थिति का आकलन करता हूँ। पार्ट बी में अगर देखें, शरीर में कोई घटना होती है, कुछ संवेदना होती है, उसके बारे में आकलन करता हूँ। इस आकलन के आधार पर मैं उससे प्रभावित होता हूँ, अपने भाव विचार को बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ और उसी के अनुसार मैं फिर प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। तो ये बात हम लोग कल ऑब्जर्व कर रहे थे और कल हमने असाइनमेंट जो लिया था उसमें अपने मान्यता, अपने संस्कार को और बारीकी से देखने की बात थी। तो बहुत सारे हमारे संस्कार बने हुए रहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया गया था कि बहुत सारी चीजों में हम चाहिए और नहीं चाहिए जैसा एक संस्कार बना लेते हैं कि दूसरे मनुष्य को ऐसा होना ही चाहिए, दूसरे का व्यवहार ऐसा होना ही चाहिए, बाहर की भौतिक रासायनिक वस्तु ऐसी होनी ही चाहिए। हम निकले और पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो बारिश अभी नहीं होनी चाहिए, दूसरे ने कुछ कह दिया, दूसरे को चुप रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा हम चाहिए या नहीं चाहिए जैसा बना लेते हैं और वो हमारे अंदर एक संस्कार के रूप में काम करता है। फिर उससे जोड़कर ही अर्थ देते रहते हैं और उसको हम बहुत ही निर्णय पूर्वक अपने अंदर बना के रखते हैं, हठ पूर्वक उसको बना के रखते हैं और एक गहरे संस्कार के रूप में हमारे अंदर बना रहता है जी, और इस प्रकार से हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से यदि कुछ आपके अंदर प्रश्न बना हो, कोई नई बात ध्यान में आई हो तो प्रश्न को अभी रख सकते हैं। जी, तो पार्ट सिक्स ए में हम लोग प्रतिक्रिया पूर्वक कैसे निर्वाह करते हैं उसको अध्ययन कर रहे थे। वैसे ही देखें तो जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह को देखें तो यहाँ पे भी हम संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ते हैं, फिर अपने संस्कार जो समझ आधारित है उसके साथ जोड़कर अर्थ देते हैं और फिर मैं अपने स्वभाव निश्चित भाव में बने रहते हुए स्वयं में सुखी रहता हूँ। तो बाहर की घटनाएं वही है, उससे बाहर की, जैसे शरीर से बाहर हो रहा है वो भी, शरीर में हो रहा है वो भी, तो घटनाएं तो वही है, शरीर में उसी तरह की संवेदना उत्पन्न हो रही है, परंतु अब जो मैं अर्थ दे रहा हूँ समझ के आधार पर दे रहा हूँ, दूसरे ने वही व्यवहार किया, वही शब्द मुझे सुनने को मिले, बट यदि मुझमें समझ होती है तो मुझे दिखता है कि इस व्यक्ति की चाहना ठीक है, इस व्यक्ति में समझने की क्षमता है और ये व्यक्ति भी समझ पाएगा अगर सेल्फ एक्सप्लोर करेगा, अभी नहीं कर पाया है, जैसे मैं नहीं कर पाता हूँ वैसे ये भी अभी नहीं कर पाया है, मैं कुछ मुद्दों पर नहीं कर पाता हूँ, ये कुछ और मुद्दों पर नहीं कर पा रहा। अगर इतने भाव के साथ हम उसी ध्वनि को जब सुनते हैं, उसी शब्द को सुनते हैं, तो हमारे अंदर स्नेह का भाव बना रहता है अगले के प्रति, है ना, संबंध का भाव बना रहता है और फिर मैं उसके साथ जुड़ के जो उसको अर्थ देता हूँ तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ कि नहीं। तो इस आकलन के आधार पर मैं पूरकता का निर्वाह करता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ बिना प्रभावित हुए। तो मुझे स्वयं में दिख रहा है हर क्षण कि हर मनुष्य की चाहना ठीक है, हर चैतन्य इकाई में समझने की क्षमता है और हर चैतन्य इकाई की वही गति है,
जांचता है जीकर देखता है समझ पाता है, नहीं जांचता है नहीं जीकर देखता है नहीं समझ पाता है। हर इकाई को समय लगता है जैसे मुझे लग रहा है। तो अगर मैं इस भाव के साथ हर क्षण बना रहता हूँ तो बाहर से कोई भी सूचना आती है मैं उसका ठीक ठीक आकलन करता हूँ, किसने कोई व्यवहार किया उसका आकलन करता हूँ। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था जब मुझे समझ में आती है, प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं परस्पर पूरक हैं और इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसको समझ कर मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ, इसको समझ कर मैं अपने लिए आवश्यक सुविधा का उत्पादन करता हूँ, समृद्धि के भाव से भरा रहता हूँ, दूसरे के पोषण के बारे में ही विचार करता हूँ, जब ये समझ आधारित मेरे अंदर भाव होता है तो जो भी बाहर से सूचना आती है उसका मैं सदुपयोग करता हूँ। अभी बारिश हो रही है, अगर बुआई का समय है तो बुआई करेंगे, अगर कटाई का समय है तो रोक लेंगे फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो उसका मैं सदुपयोग करता हूँ। अब मैं प्रतिक्रिया नहीं करता कि ये क्या बात हुई, मई महीने में बारिश हो रही है, नहीं होना चाहिए था। तो अब ये जो प्रतिक्रिया हमारे अंदर बन जाती है ना, फिर पता चला कि हमने प्रकृति को ही दोष देना शुरू कर दिया कि प्रकृति की बनावट ठीक नहीं है, तो उसके लिए रिएक्शन तय हो गया हमारे अंदर। वैसे ही समाज को दोष देना शुरू कर दिया कि समाज के एक भी आदमी ठीक नहीं है। ये सब हमारे अंदर भाव में देखें विचार में देखें तो चलता रहता है ना, उसी उधेड़बुन में हम लगे रहते हैं। वैसे शरीर में कोई घटना हो रही है तो शरीर के भी हम सामयिकता को अगर ना देख पाए, ठीक, अपने आप को शरीर से भिन्न होता हुआ ना देख पाए, ये बात हमें कभी स्पष्ट ही नहीं होती और हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। बट वही मुझे दिखाई देता है हर क्षण कि शरीर तो मेरे से भिन्न एक जड़ इकाई है, मैं न तो शरीर हूँ न शरीर में हूँ न शरीर मुझ में है, मैं तो हर क्षण शरीर से दूर हूँ। और इस दूरी के साथ ही मैं शरीर के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ। तो शरीर में कोई भी घटना होती है उसकी सूचना मुझे मिलती है, मैं उसको पढ़ता हूँ और इस जड़ वस्तु का मैं ध्यान रखता हूँ। मुझे पता है सामयिक है, मुझे पता है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो जब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ पोषण के लिए उसका मैं आकलन ठीक से करता हूँ कि पोषण के अर्थ में है कि नहीं, है ना, इसके संरक्षण के लिए जो कुछ करना है उसका मैं ठीक से आकलन करता हूँ कि शरीर संरक्षित हो रहा है कि नहीं, और सदुपयोग का भाव हर क्षण बना रहता है। तो मैं शरीर से सुख पाने के बजाय अपने आप में सही समझ सही भाव से सुखी रहता हूँ और उस अर्थ में शरीर का भी ध्यान रखता हूँ, फिर शरीर का सदुपयोग भी करता हूँ समाज की व्यवस्था के लिए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, ये भाव मेरे अंदर बना रहता है। तो ये हमको अपने आप में आकलन करना है कि अभी हम 6A में जी रहे हैं या 6B में जी रहे हैं। क्या लगता है, अभी हम ज्यादातर समय 6A में होते हैं 6B में होते हैं? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अभी ज्यादातर समय हम कहाँ जी रहे हैं, 6A में या 6B में? जी बढ़िया, अगर ठीक से देखें तो 6A में जी रहे होते हैं। और ये सिर्फ हम ही नहीं है, ये कोई भी चैतन्य इकाई जो जीव चेतना से मानव चेतना की ओर संक्रमण कर रहा है यहीं से शुरू करेगा। तो इसमें ना तो प्रकृति की बनावट की कोई गलती है ना, मेरे अंदर इसके लिए कोई ग्लानी होने की जरूरत है। कभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से 6A से 6B में जाना है, तो यही सहज प्रक्रिया है। तो अभी आप पा रहे होंगे कि जितना जितना हम अपने ऊपर गंभीरता से काम कर रहे हैं, जितना समझने के लिए जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारा शिफ्टिंग हो रहा है 6A से 6B में। शरीर में पहले भी दर्द होता था, या यूं कहें कि शरीर में कोई घटना होती थी उसको मैं दर्द के रूप में देखता था और फिर मैं प्रतिक्रिया करता था। जरा सा सिर में दर्द हुआ, 4 गोलियां खाली पूरा एलोपैथी की, है ना। अब पता लगता है कि शरीर सिर में दर्द क्यों है, तो अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो उसके लिए उपाय करेंगे, है ना, फिर अगले दिन थोड़ा ज्यादा रेस्ट ले लेंगे, थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, काम थोड़ा कम कर लेंगे। और यदि उल्टे सीधे विचारों से सिर में दर्द हो रहा था तो विचारों पे काम करेंगे, ना कि दवाइयां लेकर हम ना अपने शरीर के दर्द को दबा देंगे। तो पहले भी शरीर में ये संवेदनाएं हो रही थी, अब भी हो रही है, बट हमारा रिस्पॉन्स बदल गया है कि नहीं, दूसरे के व्यवहार को लेकर हमारा रिस्पॉन्स बदल गया है, बाहर की घटनाओं को लेकर सुविधाओं को लेकर हमारा रिस्पॉन्स बदल गया, तो ये अपने आप में दिखाई देगा आपको। तो एसेंशियली हम 6A से 6B की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।
और इसमें हम सबकी गति बनी है तभी हम इस प्रोसेस को सस्टेन कर पा रहे हैं। अगर ये गति नहीं बनी होती तो एक समय के बाद हम ऊब जाते, परेशान हो जाते कि नहीं। जी भैया नमस्ते सभी को। जी नमस्ते भैया, अभी कल का ही जो चल रहा है ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ, जो मेरा कल कुछ घटना हुई है। अभी बच्चों के मार्क्स भरने शुरू है भैया, एग्जामिनेशन चल रही है नागपुर यूनिवर्सिटी की फाइनल। तो अभी ये मतलब अभी जो बात चल रही है कि अपने आप में परिमार्जन या हम 6A से 6B में कैसे जा रहे, ये हम धीरे धीरे अभी मुझ में वो प्रतीक जो भी हो रहा है वो दिख एकदम दिख पड़ रहा है। मान लो कोई एक्सटर्नल आया और उसने कुछ किया या जो भी है, तो अपने मन का भाव जो भी उसने बोला कि तुम्हारे बच्चों ने अच्छा काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो पहले पहले भैया ऐसा लगता था कि नहीं नहीं ये कुछ तो भी अपना भाव बदलना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एकदम अंदर से आवाज आ रही है, रुकिए रुकिए हड़बड़ी ना करे, ये सही नहीं है अपने भाव को ना भैया। भैया आपकी आवाज सुनाई दे नहीं रही, मैं फैक्ट बता रहा हूँ जैसे नॉर्मली। हाँ तो इसमें भैया ऐसा लग रहा है कि अपना कुछ तो भी अपना गलत हो रहा, ये आवेशित होने की जरूरत नहीं है ना, हमको सुख में आवेशित होना है। उसने अच्छे मार्ग दिए तो भी हमको कुछ फर्क नहीं है, उसने गलत मार्ग दिए तो भी हमको नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि हम ये बाहरी प्रक्रिया से हमारा भाव हर क्षण दिन भर जो भी हम काम करते हैं या अभी भी सवेरे से जो लगे हुए हमारा भाव ठीक करना है। तो भैया ये हम 6A से 6B में परिमार्जन मान सकते हैं क्या, ये पहले नहीं होता था अभी अभी होने लग गया है? जी भैया प्लीज थोड़ा सा डिस्कस करें। परिमार्जन ना भी कहें तो संक्रमण तो कर रहे हैं, उस ओर हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। परिमार्जन तब है जब वंस फॉरएवर हो गया कि हमारे अंदर वो भाव चिंतन में आ गया, व्यवस्था बोध में आ गया, तब तो कहेंगे परिमार्जन हुआ। बट उसके पहले तैयारी जो कल्पनाशीलता में होनी है वो तो कर रहे हैं। पहले जहाँ विचारों में उलझे हुए थे अब भाव को देख पा रहे हैं एक सीमा तक, फिर भाव में भी हम निश्चित भावों को पहचान पा रहे हैं, यही भाव मुझे सहज स्वीकार है, दूसरा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं है। ये जो हम अपने अंदर इच्छा के स्तर पे काम कर रहे हैं, विचार में जो काम कर रहे हैं, ये उसके लिए एक तैयारी हो रही है परिमार्जन की। तो परिमार्जन तो ये हो गया कि हमको दिख गया और हमेशा के लिए दिख गया। वैसा अगर नहीं भी हुआ उसके पहले भी तो तैयारी करेंगे ही ना, तभी तो आगे काम होगा, तो वो चल रहा है। जी जी नहीं मतलब अभी जो इतना अपन कंटिन्यूस में साल दो साल से जो कर रहे हैं तो उसमें ये पता चल रहा है कि भैया आजकल वो अंदर सेल्फ को एक आवाज आ रही है, जो आपकी आवाज है ना, मतलब रुकिए रुकिए हड़बड़ी ना करिए, ये सही नहीं है। तो वो भाव अपने आप थोड़ा सा रुक के फिर अपने को एकदम सजगता आ गई कि नहीं नहीं जो हम कर रहे हैं वो गलत है, जो अंदर से आवाज आ रही वही सही है। तो जी भैया यही मेरी शेयरिंग थी आज के लिए। और जी 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 नमस्ते। बढ़िया भैया, बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया। भैया ये जो हम तीनों जो संवेदना जो बताई है उसका जो ऑब्जर्वेशन का काम चल रहा है, तो वहां पर हम मान्यता और समझ के आधार पर उसको कर रहे हैं कि ये मान्यता पर आधारित है, समझ पर आधारित है। फिर वहां जाके हम बोल रहे हैं कि हम अपने संस्कार को देख रहे हैं, तो संस्कार भी जो है मान्यता आधारित है या समझ आधारित है। तो भैया एक थर्ड स्थिति भी हो सकती है कि संस्कार के आधार पर नहीं हम डायरेक्टली देख रहे हैं उसको, तो हमेशा संस्कार हो गई भैया कि जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो संस्कार के थ्रू ही ऑब्जर्व करेंगे, या बिना संस्कार के भी डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है? वही तो, अगर संस्कार को हम दो प्रकार से रखें कि मान्यता आधारित या समझ आधारित, तो फिर तो संस्कार के थ्रू ही देखेंगे। बट यदि हमको लगता है कि जो समझ आधारित है उसको संस्कार न कहें, सीधे समझ कहें, तो डायरेक्ट देखेंगे फिर। ये तो शब्दों के चयन की भाषा की बात है। जी जी हाँ, नहीं दोनों तरह के संस्कार दोनों तरह के हो सकते हैं भैया, लेकिन हो सकता है कभी हम किसी भी संस्कार को बिना बीच में लाए डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए जब हम ऑब्जर्व डायरेक्ट करेंगे तब तो संस्कार बीच में नहीं होगा उस क्षण में, जिस क्षण हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उस क्षण कल्पनाशीलता की कोई क्रिया तो है ना बीच में रुकावट नहीं पैदा कर रही, वो तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं। बट जब हमने देख लिया समझ लिया तो उसके आधार पर कुछ संस्कार बनेगा कि नहीं? हाँ बाद में संस्कार बन जाएगा बिल्कुल। जब निर्वाह करेंगे तो सुसंस्कार सही संस्कार के आधार पर निर्वाह करेंगे, अर्थ देंगे सही संस्कार के आधार पर अर्थ देंगे,
तो संस्कार का मतलब ये नहीं कि जो गलत ही उसको संस्कार कह रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों गलत नहीं, नहीं भैया ऐसा नहीं समझ रहा हूँ, दोनों ही है, लेकिन आपने ये क्लियर कर दिया कि जब डायरेक्टली ऑब्जर्व करे तो वो भी जाके वापस संस्कार तो बनेगा, चाहे वो समझ से बन रहा है चाहे किसी से ही बन रहा, दोनों को हम अलग अलग तरह के संस्कार बोल रहे हैं, लेकिन बनेगा तो वो संस्कार है क्योंकि वो भी अभ्यास में आ रहा है तो संस्कार बने। जी भैया, बस ये तो शिक्षा से जो संस्कार बनना है वो इसी प्रकार है, सही शिक्षा मिली सही संस्कार बना, गलत शिक्षा मिली गलत संस्कार बना। जी जी जी, ठीक भैया, थैंक यू। तो जो इसमें गृह कार्य है कि अपनी अभिव्यक्ति को देखें, जिस तरह से आप लंबे वाक्य बोलते हैं, छोटे छोटे अभिव्यक्ति देते हैं, हाथ या है ना शरीर हिलाकर बात करते हैं, चेहरे पे जो अभिव्यक्ति आती है इत्यादि, जैसे कि आप कोई दूसरे व्यक्ति हो, तो अपने आप को ऐसे देखना है जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे देख रहा हो। तो मैं चलता हूँ किस तरह से चलता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे चेहरे पे कैसी आकृति बनती है, शब्दों का उच्चारण मैं कैसे करता हूँ, मैं कब हाथ पांव हिलाता हूँ, कैसे मैं बैठता हूँ, कैसे मैं उठता हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने अभिव्यक्ति को ऑब्जर्व करना है। फिर वो देखें कि आप अभिव्यक्त होते समय सुखी हैं या नहीं, देखें कि आप किस तरह से अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कर रहे हैं किसी दूसरे के व्यवहार के प्रति, बाहर किसी भौतिक रासायनिक घटना के प्रति, शरीर में होने वाली घटना के प्रति। देखें कि ऊपर लिखी घटनाओं में शरीर से मिलने वाली संवेदना को आपने किस प्रकार से अर्थ दिया है, और यहाँ ये भी देखें कि कैसे आपका संस्कार जुड़ा है। तो इसे हम कुछ मिनटों में देखना शुरू कर सकते हैं और इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, दिन भर देख सकते हैं। तो हम लोग इसको अभी ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसा थोड़ी देर के लिए हम मन करें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम सामने से अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये रेयरली होता है कि हम अपने आप को इस तरह से ऑब्जर्व करें, दूसरा व्यक्ति हमको ऑब्जर्व कर रहा होता है, हम बात करते समय कितने हिलते डुलते हैं, बात करते समय कितना हाथ हिलाते हैं, है ना, खड़े होते समय कितनी बार पैर में कंपन पैदा करते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, बैठे हुए हैं बैठे बैठे कितनी बार पैर हिलाते रहते हैं, कोई भी बात कहनी होती है तो चेहरे पे हमारे कैसे है ना रूपरेखा बनती है। तो ऐसा हो जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो, उसमें आपका वॉयस वीडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है और आपको अपने आप को देखना है, तो अपने आप को बाहर से देखना है, अपने व्यक्ति को देखना है, फिर उसके और भीतर जाके देखना है कि यहाँ पे व्यक्ति हुई उसके पीछे क्या विचार रहा, विचार के पीछे क्या भाव रहा, उस भाव में क्या संस्कार रहा, उसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। इसको हम लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उसको लेंगे।
जी बढ़िया। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। जी भैया, भैया अभी मैं ये चीज को देख पा रही थी कि जैसे हर चीज मना एक सजगता बहुत ज्यादा, टेंशन इसमें बहुत बढ़ गई है मेरी, और वही चीज को मैं कर रही थी अभी कुछ दिन से अभ्यास, और यही जैसे आपने उदाहरण दिया था कल कि गर्मी में बैठने के अभ्यास करो उसका, और जैसे उस चीज को भी देख रही थी। और कल भैया मैंने इस चीज पे कल करा, कल मुझे कहीं जाना था और एक मीटिंग भी थी, जैसे वीकली हमारी होती है, तो मेरा दोनों चीज वही हो रहा था कि मैं उधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, क्योंकि गैस पे कुछ था और वो चीज लेके जाना था मुझे, तो काफी कुछ उसमें वो थोड़ा सा चल रहा था, तो मैं उसको ये ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या है, इतनी स्पीड क्यों है, आराम से करो, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। तो जैसे मैं एक लीड लगा के सुनती हूँ, तो मैंने उसको हटाया और मैंने फोन को किचन में ही रख लिया, और उसमें इतना मतलब कि मीटिंग भी अटेंड कर रही थी और साथ में कड़छी भी हिला रही थी और ये भी आ रहा था, मतलब जैसे एक वो इतनी महीनता से उस चीज को देख पा रही थी कि इतनी अलर्टनेस अंदर बढ़ गई है कि जैसे कोई मुझे अब्सॉर्ब कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, नहीं मुझे आराम से करना हर चीज को, कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी इतना अटेंशन अंदर बनी रहनी चाहिए कि मैं अगर बोलूं हाथ को रुक जा तो वो वहीं रुक जाए, मैं बैठ जाऊं, अगर मैं ऐसे ये एक्शन कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ। भैया इतनी महीनता से वो चीज को देख पा रही थी, तो मतलब उस चीज को देखते देखते फिर वो मेरे को ये हो रहा था कि मैं अकेली हूँ, अब इतना बड़ा पति का मैं कैसे उठाऊं, अब क्या मैं ये सोच रही हूँ ये गलत नहीं है, अभी तो मैं अपने आपको कह रही हूँ कि नहीं अलर्टनेस रखनी है, आराम से करो, पर आराम से अगर मैं धीरे धीरे करूंगी तो टाइम तो जा रहा है ना, फिर हमें निकलना भी है, तो इतना तक भैया वो बना हुआ था कि नहीं मैं धीरे धीरे कर लूंगी, आराम से कर लूंगी, अकेली कर लूंगी, मुझे कोई हेल्प की भी नहीं जरूरत है, और जैसे पूरी सब कुछ तैयारी करके रखा था, और फिर ये हो रहा था जाने के टाइम कि गर्म है, अच्छा दूध का मामला है, खट्टास ना आ जाए, बहुत दूर जाना है लेके, तो मतलब यहाँ तक भैया पूरा उस चीज को ऑब्जर्व कर पा रही थी कि एक अंदर मेरा वो सजगता कितनी बढ़ गई है, और जैसे मैं उस चीज में ध्यान दे पा रही थी कि कोई मुझे देख रहा है तो कोई देखेगा तो कि कितनी मैं हलचल में आ रही हूँ, क्या ये चीज को कोई देखेगा तो कोई देखे ना देखे तो मेरे अंदर वो चीज क्या हो रही थी, वो प्रतिक्रिया को मैं देख पा रही थी भैया कि मुझे पूरे अटेंशन देना है अपने में, मतलब वो स्थिति को मुझे नहीं हिलानी है, मेरे को अपनी स्थिति को बना के रखनी है, मतलब वो एक अटेंशन रखनी है अपने में, ये चीज को भैया बहुत अच्छे से देख पा रही थी। बढ़िया दीदी, बढ़िया। तो अभ्यास एक में अपने भाव को देखते रहे, अभ्यास दो में हम संवेदना को देखे, फिर संवेदना को कैसे अर्थ दे रहे हैं उसको देखे, उस अर्थ के आधार में जो संस्कार है उसको देखे, और अब यहाँ जाकर अपनी व्यक्ति को देख रहे हैं ताकि हमें एक टोटैलिटी में दिख जाए मेरी स्थिति क्या है, मैं कैसा हूँ, है ना, ये हमको संपूर्णता में दिख जाए। तो शरीर के साथ जो अव्यक्त हो रहे हैं उसको भी हम देख सकते हैं, और उसमें हम देख पाते हैं कि कितनी बार हम प्रतिक्रिया करते हैं, कितनी बार हम जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करते हैं अर्थात अनुक्रिया करते हैं। इनफैक्ट कोई कोई बात कह रहा है और बात सुनते सुनते हमारे मुंह से हूँ निकला, है ना, अब वो हूँ भी हमको बताता है कि मेरे अंदर उस बात की स्वीकृति बनी या नहीं बनी, ठीक, या हमने चेहरे पे कोई बनावट बना दी, चेहरे में हमारे कुछ आकृति बनी, उस आकृति से दूसरे को कम्युनिकेट हो जाता है कि हम उसकी बात हमें स्वीकार हुई कि नहीं हुई। तो इन सब चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे अपने प्रति और होश बनेगा। जी हाँ जी भैया, आवाज आ रही है। हाँ हाँ नहीं भैया, जैसे वो रिसर्च पेपर या कोई ऐसा वो आदत सी लग जाती है ना, हम हमारे हाइपोथेसिस जोड़ जोड़ के और कुछ लिखते जाते हैं, तो हम ये अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा था अभी पहले दूसरे जो मॉर्निंग सेशंस में तो अभिव्यक्ति होते वक्त अपने जो हाव भाव उस पर ध्यान गया था, अब ये बात अभी आपके जो मॉर्निंग सेशन के पहले आपने बोला था, अभी ऑब्जर्वेशन के पहले आपने बोला था कि लंबे लंबे वाक्य हम बनाते जाते थे, तो फिर मेरे ध्यान में आया कि ये अक्सर मेरे साथ होता है, क्योंकि मतलब शॉर्ट शॉर्ट में चीजें लिख के सिंपलीफाइड तरीके से अपनी बात रखना, कॉन्सेप्चुअल प्रेजेंटेशन के वक्त तो वो आसान तरीके से नहीं होता है, फिर हम उसको
इफ बर्ड्स और थ्रू दो ऐसा जोड़ जोड़ के वो लंबे लंबे होते हैं, वो रुकता ही नहीं वो सिलसिला, फिर चार चार पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ सेंटेंसेस आ जाते हैं उसमें एक वाक्य, फिर जाके रुकता है। तो ये क्या भैया, हमारी जो प्रीकंसीव नोशन या हमारी मान्यताएं ज्यादा ही रहती है कुछ, या कुछ बहुत कुछ पढ़ के हमने कुछ मतलब मान लिया है, उसकी वजह से होता है कि भैया ये? जी जी, एक तो हम वस्तु को सीधा सीधा देख नहीं पाते हैं, तो नहीं देख पाते तो उसको रख भी नहीं पाते हैं, फिर उसमें हम जब रख नहीं पाते हैं तो अपने फिर भी बात को पूरा करने के लिए हम लंबे लंबे वाक्यों का या फिर उस वस्तु के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजों का विवरण लेकर आते हैं, है ना, और सीधा सीधा नहीं रख पाते हैं। जैसे कई बार मैंने देखा कि बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं बैचलर्स में मास्टर्स में, तो फाइनल सेमेस्टर में रहता है, तो वो आकर अपने बात को रखते हैं, अब वो ये नहीं बता पाते कि एक्चुअली उनका काम क्या है, उसके इर्द की जितनी तैयारियां कि उसको पूरा बताते रहते हैं। तो उनसे पूछा जाता है भाई आप पहले बताओ कि आपने बनाया क्या है, क्यों बनाया है, इसमें क्या खास है, या क्या इसमें नया आपने सोचा है, तो वो उनको क्लियर नहीं होता है ना, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें करेंगे कि हम ये करने का प्रयास किए, वो करने का प्रयास किए। वैसे अगर हम देखें तो अगर हमें अपने जीने में छोटी छोटी चीजें स्पष्ट ना हो, मानव क्या है, संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, और हम इसी को केंद्र में रखकर कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट हमको स्पष्टता नहीं है, तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं। अभी भी आप देखिए तो जितने भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, चाहे मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, समाज शास्त्र पढ़ रहे हो, है ना, लॉ पढ़ रहे हो, उन सब में इन मौलिक मुद्दों पर क्लैरिटी नहीं है। मानव क्या है, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व में मानव की भागीदारी क्या है, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी हवा पानी ये सब क्या है, ये हमें नहीं क्लियर है, और हम इनके बारे में ढेर सारी बातें कर रहे हैं, तो इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। अगर थोड़ा सा होश के साथ ना पुस्तकें उठा के देखी जाए, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, तो दिखता है कि है ना, ये मूल मुद्दे पे तो बात ही नहीं हो पा रही सही ढंग से, बच्चे में जो जिज्ञासा है वो शांति नहीं हो पा रही, तृप्त ही नहीं हो पा रही, इस तरह के चैप्टर्स हमने बना दिए, वही हम थीसिस में काम कर रहे हैं, उसी को लेकर हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं। पहले तो व्यक्ति यही नहीं तय हो पाता, आज के दिन अगर हम देखें जो हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं एजुकेशन में, कि मैं क्या होना चाहता हूँ और क्या हूँ, इन दोनों के बीच का अंतर ही स्पष्ट नहीं है। तो होना चाहता हूँ की बात करते करते हूँ उस पे आ जाते हैं, हूँ की बात करते करते चाहने पे आ जाते हैं, इन दोनों को अलग अलग करके देख ही नहीं पाते, मेरी सहस्वीकृति क्या है और मेरा जीना क्या है। तो जो हम थियरी रख रहे हैं, हाइपोथेसिस रख रहे हैं, वो किसको लेकर रख रहे हैं, चाहने को लेकर या जीने को लेकर, ये बहुत क्लियर नहीं है। तो बहुत सारा हम मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, ठीक, बट वस्तु को हम सीधा सीधा देख पाते हैं ना रख पाते हैं। अगर ठीक से हम देख पाए तो आप तो पाएंगे सत्य सहज है, ट्रुथ इज सिंपल, मैं देख पा रहा हूँ, मैं रख पा रहा हूँ, ठीक। तो जो सही है उसको तो बहुत कम शब्दों में रखा जा सकता है, फिर अगले व्यक्ति को समझने के हिसाब से उसका पूरा विस्तार किया जा सकता है। तो हमको जब सीधा सीधा दिखाई देता है तो सीधा सीधा रख पाते हैं, सीधा सीधा नहीं दिखाई देता है तो सीधा सीधा नहीं रख पाते। जी ठीक है भैया, यही बातें भी फिर हम हमारा जो स्वाभाविक बातचीत जो होती है, स्वाभाविक तरह से बातचीत। अभी उस दिन में बेटी हम लोग कहीं घूमने गए थे, वो नूडल्स लेना चाहती थी और मैं बोल रहा था कि सिंपल अपनी ये जो सब्जी और राइस जो होती है वो ले लें, और वो फिर अभी मैं अभी 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन कर रहा था, तो मैं उसको नूडल्स लेने से हमारी सब्जी चावल लेना क्यों अच्छा रहता है, ये दो शब्द में मैं उसको समझा नहीं पाया, क्योंकि फिर मेरे ध्यान में आया कि कई बार तो मैंने खुद भी चाइनीज और नूडल्स खाए हैं, तो मैं फिर ये इतना सहजता से दो वाक्यों में उसको समझा नहीं पाया। फिर मैं उसको जब समझा रहा था कि सब्जी चावल ज्यादा ठीक रहती है नूडल्स से या चाइनीज से, तो वो बोलते वक्त मेरे इसमें इसलिए सहजता उसमें फिर ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, वो वाक्य फिर जल्दी खत्म नहीं हो पाया मेरा, और वो मैं बहुत आसानी से समझा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद उसको अच्छे से समझ नहीं पाया था। हो सकता है इसकी वजह से ये चीजें फिर लंबे लंबे वाक्य बनते होंगे शायद, ऐसा ऐसा दिख रहा भी है ये ऑब्जर्वेशन से। जी जी, वही तो अगर हमें समझ में आ जाए कि भोजन क्यों लेना है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भोजन जो है वो शरीर के पोषण के अर्थ में है, तो नूडल अगर पोषण के अर्थ में है तो खा लेना बनता है, अगर नहीं है तो कोई दूसरा ऑप्शन देखना बनता है। इतने सिंपल ढंग से बात कही जा सकती है, बट जैसे हम ये बात कहते हैं तो बच्चा हमसे पूछता है कि आप जो कुछ खाते हैं पोषण के अर्थ में होता है कि नहीं, अगर अभिव्यक्त ना भी करे तो अंदर ही अंदर वो प्रश्न तो रहता है उसके,
कि नहीं? बढ़िया भैया जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। ये एक दिन चर्चा में देखिए ये बात आई थी, मेरी भागीदारी शरीर के साथ भी है और शरीर के बिना भी है। शरीर के साथ भी है मतलब पोषण का भाव, और शरीर के बिना भी है, इसका क्या अर्थ है? शरीर के बिना मतलब मैं तो अपने आप में चैतन्य काय रूप में बना हुआ हूँ ना, तो मैं तो संबंधित हूँ इस अस्तित्व की हर इकाई से। वो मेरा बना ही हुआ है, पर चूंकि शरीर साथ में जुड़ा हुआ है तो मैं हर बार शरीर का प्रयोग करके इसका निर्वाह कर रहा हूँ। बट बहुत सारा निर्वाह मैं अपने अंदर कर रहा हूँ जिसमें शरीर की भागीदारी नहीं है। मैं बैठे बैठे अपने अंदर संबंध का व्यवस्था का विचार कर रहा हूँ, उसमें शरीर की भागीदारी नहीं है। फिर जब वो विचार पूरा हो गया फिर मैं शरीर के जोड़कर उसको निर्वाह कर लेता हूँ। समझने का काम है, मैं अपने आप में कर रहा हूँ। तो इस पूरे अस्तित्व में मेरी भागीदारी क्या है उसको मैं अपने आप में देखने का काम कर रहा हूँ, है ना। और फिर जब मैं देख पाता हूँ तो उसको ऐसा शरीर से रख पाता हूँ। तो वो जो भागीदारी मेरी अपने आप में बनी हुई है वो तो अपने आप में निश्चित है, शरीर तो सामयिक है। जब तक शरीर है शरीर के माध्यम से उसको व्यक्त कर रहा हूँ। शरीर नहीं होता है अपने आप में, वो मुझे भाव विचार बना रहता है, उसके साथ मेरी भागीदारी बिना शरीर के जो भी है वो बनी रहती है। अभी भी देखें तो बनी हुई है, पर चूंकि शरीर से जुड़ जा रहा है तो साफ साफ नहीं देख पा रहे। जैसे वो बात हो रही थी कि मैं अपने तो बहुत सारी चीजें कल्पना में करता हूँ, शरीर के माध्यम से आवश्यकता अनुसार समय अनुसार व्यक्त करता हूँ कि नहीं, तो जो मैं अपने आप में कर रहा हूँ मेरी भागीदारी तो है ही वो। बट भैया नोइंग का काम जो करना है, समझ को विकसित जो करना है, उसके लिए तो शरीर लगेगा ही हमें। हाँ, तो शरीर भी लगेगा, मैं भी लगूंगा। शरीर बना हुआ है इसलिए मैं शरीर का सदुपयोग कर लेता हूँ, बट वो भी मैं हर बार नहीं करता। जैसे एक प्रस्ताव मेरे सामने आया, अब मैं उसको जांचता हूँ। जांचने में अपनी सहस्त्र कृति से जोड़कर देखने में शरीर कोई भागीदारी नहीं है। तो मैं अपने आप में कर रहा हूँ। तो जब मैं अनुभव बोध चिंतन के क्रिया को जागृत करने के लिए काम कर रहा हूँ उसमें शरीर की कोई भागीदारी नहीं है। तो जो हमारा मुख्य काम है उसमें शरीर की भागीदारी नहीं है, बाकी सब तैयारी है, उस तैयारी में शरीर की भागीदारी है। जब मैं सीधा सीधा व्यवस्था को देख रहा हूँ, अस्तित्व को देख रहा हूँ, सहअस्तित्व को देख रहा हूँ, तो शरीर क्या भागीदारी है? नहीं है। शरीर तो उसके लिए तैयारी करा रहा है। तो शरीर के साथ निर्वाह करते हुए हमारे प्रश्न सूक्ष्म होते जाते हैं, ऑब्जर्वेशन सूक्ष्म होता जाता है, हमारी प्रेरणा बढ़ती जाती है ज्ञान के लिए। अगर ये शरीर छूट भी जाएगा तो फिर नोइंग का काम तो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे कहें? प्रेरणा नहीं बनी है तो नहीं बनेगा। जैसे अभी भी हमको सुख का स्रोत तो बाहर लगता ही है ना, अब वो बाहर का स्रोत चला गया, अंदर का स्रोत जागृत हुआ नहीं है। जैसे अभी भी आप देखें, आप शरीर के साथ जो आदान प्रदान कर रही हैं उसको बहुत सीमित कर दीजिए, शरीर को एक स्थिति में रख दीजिए, है ना। ना सूचना देने की जरूरत है, ना संवेदना को पढ़ने की जरूरत है, और अपने ऊपर काम करिए तो आपको दिखाई दे, एक समय के बाद तुरंत हम उब जाते हैं, एक समय के बहुत थोड़े से बाद उब जाते हैं और तुरंत शरीर से कुछ ना कुछ हम शुरू करते हैं, कोई आस्वादन करना या शरीर से कोई हरकत करना। तो अगर यही स्थिति है हमारी तो शरीर नहीं रहेगा तो आगे गति नहीं होगी। बट यदि हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हमको शरीर का कोई रोल बचा नहीं है या आवश्यकता भी नहीं दिख रही है, तो वो काम अपने आप में कर रहे हैं, शरीर है तो भी कर रहे हैं, शरीर को हिलाए डुलाए बगैर, शरीर से संवेदना को पढ़े बगैर कर रहे हैं, और वो काम आगे भी कर सकते हैं। बट वो इतनी योग्यता बढ़ने की बात है, अभी तो उतनी योग्यता है नहीं। तो अभी क्या होता है कि अपने आप को शरीर मानकर ही आता समय जी रहे होते हैं, इसीलिए शरीर के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं हमारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहता है। चूंकि ये महत्वपूर्ण बना हुआ इसलिए सुविधा महत्वपूर्ण बना रहता है। नहीं तो ज्ञान समाधान तो स्वयं में स्वयं द्वारा ही होना है। अस्तित्व तो बना हुआ है, उसमें मैं बना हुआ हूँ, पूरे अस्तित्व से मैं जुड़ा हुआ ही हूँ, ठीक है ना। बट ये तैयारी जो हमारी हो रही है कि वहां तक हमको देखने की अर्हता बन जाए, तैयारी बन जाए, निष्ठा बन जाए, तत्परता बन जाए, उतनी प्रेरणा बन जाए,
उसके लिए फिर हमें सारा कुछ कर रहे हैं। अभी भी देखिए, अगर ये आपको अपनी कल्पना में भी लाना हो कि आपको सुखी होने के लिए न सुविधा की जरूरत है न शरीर की जरूरत है, तो आपको लगता है ये क्या बात हुई, तो जिंदगी में करेंगे क्या फिर? तो फिर हम लौट के फिर सुविधा और शरीर में लग जाते हैं। अदरवाइज ऐसे आप देखिए तो भाई शास्त्र तो उपलब्ध है, व्यवस्था उपलब्ध है, संबंध उपलब्ध है। निर्वाह के लिए शरीर की जरूरत है, देखने के लिए क्या जरूरत है? देखूं मैं, और देखने से ही सुख है, निर्वाह तो बाद में होता है। जी जी भैया, बातें तो एक्सेप्ट हो रही है, बट वही थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, ज्ञान में सुख है। जी अभी धीरे धीरे ही वहां हम प्रोग्रेस करते हैं, धीरे कहें या क्रमशः कहें, विधिवत ढंग से प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो जितना जितना हम अपने अंदर एक्सप्लोर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उतना हमको क्लियर होता है, फिर और क्लियर होता है, और वेरीफाई करते हैं कि नहीं। तो अपने में बने रहना मतलब अच्छा लगता है, अपने पे काम करना भी एक, पहले जो करते थे बाहर काफी सारा भगदड़, तो वो अभी मतलब अपने में अच्छा लग रहा है जो भी कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन जो चल रहा है। जी बहुत बढ़िया दीदी, ये बस हम इतना सजग रहे कि अपने में जो कर रहे हैं वो विचार के स्तर पे कर रहे हैं या समझ और भाव के स्तर पे कर रहे हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है, मतलब आप जो कह रही है उसका निश्चित रूप से यही आशय नहीं, परंतु ये भी हो सकता है कि हम अब विचारों में ही उधेड़बुन में कुछ ना कुछ अपने आप में करने का प्रयास कर रहे हैं, वो फिर उपयोगी नहीं होगा। और जब हम समझ और भाव के स्तर पर करते हैं तो फिर वो भागीदारी में जाता ही है, शरीर के साथ जुड़कर शेष प्रकृति के साथ दूसरे मनुष्य के साथ जाता ही है। जब मेरे अंदर वो निर्णय हो गया कि संबंध पूर्वक जीना है, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, तो उसको जिएंगे ही, उसके अन्यथा कुछ क्यों करेंगे कि नहीं, फिर अपने को रोक के भी क्यों रखेंगे। जीना हो रहा है वो विचार के स्तर पे हो रहा है, आस्वादन के स्तर पे हो रहा है, या समझ और भाव के स्तर पे हो रहा है? समझ भाव पे करने की कोशिश कर रहे हैं, विचार में चले जाते हैं, फिर लौट लौट के फिर इधर लेकर आते हैं, ऐसे चल रहा है। भैया और एक क्वेश्चन पूछना है, देखिए हम मतलब हमारे बच्चों को लेके वाटर पार्क गए थे, तो वहां पे जो एडवेंचरस सब ये थे, राइड्स थे, तो वो करने में हमें थोड़ा डर लग रहा था, तो फिर मैं सोचने लगी कि क्या मैं अभी भी मैं खुद को शरीर मानकर जी रही हूँ, या उसका इतना हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, इस वजह से वो एक डर आ गया, ऐसे कहे भैया, इसको कैसे समझू? हाँ, तो डर आ गया तो निश्चित रूप से समझ का भाव है, रेगुलर बेसिस पे भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि समझ गए हैं, इसका मतलब हमारी कंडीशनिंग हो गई है, हमको पता है कि इतने से कुछ होता नहीं है, है ना, तो हमारी कंडीशनिंग हो गई है। जैसे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने का हमारा अभ्यास हो गया है, कंडीशनिंग कहें अभ्यास कहें, ठीक, तो हमें पता है कि गिरेंगे भी तो कुछ ज्यादा होता नहीं है इसमें, तो हमारा डर नहीं रहा, बट वो डर तो इस स्वीकृति के आधार पर कुछ होता नहीं है, हो सकता है अपने आप को शरीर मानकर ही साइकिल चला रहे हैं। तो हमारा भाव विचार मान्यता से भी बदल सकता है, समझ से भी बदल सकता है, तो हमने कुछ चीजों को स्वीकार लिया ऐसा है कि नहीं, तो फिर हमारा वो जो भय था, शंका थी, वो कम हो गया, पर इसका मतलब नहीं कि हमने समझ लिया। हमें एक दो राइड्स कर लिए तो फिर बाद में वो डर चला गया, फिर बट स्टार्टिंग में लग रहा था कि फिर मैंने अपने आप में ही जांचने की कोशिश की कि क्या अभी भी मैं खुद को शरीर मान रही हूँ, इस वजह से वो डर आ गया, ऐसे सवाल उठा। जी तो आया तो इस कारण से कि समझ का भाव है, चाहे अपने आप को शरीर मानकर या कुछ और मानकर, अपने आप को शरीर से भिन्न भी अगर हम देख पाए तो भी हमारा डर बना रह सकता है, तो ऐसा नहीं कि शरीर को स्वयं को मान लिया तभी डर बना हुआ है, तो अगर अपने आप को हम शरीर से भिन्न भी देख रहे हैं तो भी अगर हमें सुख का स्रोत स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे तो डर बना रहेगा। तो मैं शरीर नहीं हूँ ये स्पष्ट है, परंतु शरीर ही सुख का स्रोत है अगर ये माना हुआ है तो फिर भी डर बना रहेगा। जी ठीक है भैया थैंक यू। बढ़िया दीदी, और वो जो राइड की बात है, तो मान लीजिए दो बार तीन बार राइड कर लिए तो डर कम हो गया, ठीक, बट अगर हमने कोई सूचना पढ़ ली कल
राइड पे जो बच्चे गए थे वो गिर गए और इतने लोग हताहत हो गए, ठीक, तो डर फिर से आ जाएगा। अभी देखिए ट्रेन की दुर्घटना हो गई है ना, हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, हमें उसमें अब डर अभी नहीं लग रहा क्योंकि एक स्वीकृति बन गई है कि ठीक से पहुंच जाते हैं। अब ऐसी घटना हो गई, अब दोबारा ट्रेन में बैठने जाएंगे तो सबका डर लगे हमें, तो ये जो अभ्यास भी हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हमने समझ लिया। कि नहीं ठीक, बढ़िया दीदी जी, थैंक यू भैया। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया, जो मेरा एक थोड़ा सा जनरल प्रश्न है कि जो बात शुरू हुई थी वो सुख की निरंतरता या सुख के में रहने की थी, तो फिर धीरे से ये क्लियर हुआ कि शरीर और सेल्फ अलग अलग हैं और सुखी दुखी सेल्फ होता है। तो अब जो दुख को हमने आवेश के रूप में देखा है, फिर इधर पिछले 3-4 दिन से सुख को भी आवेश के रूप में ही बात हो रही है। आपने एक दो बार कहा भी है कि सुख भी एक आवेश ही है, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब दुख आवेश है तो आवेश स्वीकृत नहीं है, अब अगर सुख भी आवेश है तो आवेश तो स्वीकृत नहीं होता, फिर तो सुख की भी स्वीकृति नहीं होगी, ऐसा कुछ बन रहा था। तो सुख मानते हैं, काफी संभावना वो आवेश है, इसको एक्साइटमेंट कह रहे हैं ना वर्कशॉप में जो हम लोग बात रखते हैं कि हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, तो अभी हम एक्साइटमेंट को ही सुख मानते हैं कई बार, तो वो सुख नहीं है, वो आवेश है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं चाहते। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, वो एक्साइटमेंट की बात, एक्साइटमेंट को आवेश कह रहे हैं, हैप्पीनेस को आवेश नहीं, ऐसा। हाँ ठीक बात है, ठीक, थैंक यू भैया, थैंक। हाँ भैया नमस्ते, सबको नमस्ते। भैया जी मेरे को एक प्रश्न करना था कि विषय और इकाई, जैसे कहते हैं ना विषय की समझ, वस्तु और इकाई, वस्तु की समझ होनी चाहिए, इकाई की समझ होनी चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है इकाई, मेरे को इसमें अंतर पता करना है। इकाई जो है पूरी व्यवस्था है, जैसे मानव एक इकाई है, और एक वस्तु जिसमें गुण और आकार हो, कुछ ऐसा है, कुछ एग्जांपल से थोड़ा बात समझाइए भैया जी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है अभी। इसमें तो बात हुई थी कि मैं एक इकाई हूँ, शरीर एक इकाई है, इकाई मतलब इसको एक एक करके हम गिन सकते हैं, जैसे मैं एक इकाई हूँ, आप दूसरी इकाई है, है ना, यहाँ पे अभी सेशन में जितने हम सभी साथी हैं सब अलग अलग इकाइयां हैं, तो चैतन्य इकाइयां हैं, उनके साथ शरीर बना हुआ, ये शरीर भी सबकी अलग अलग इकाइयां हैं। और मेरे में है ना देखने में ये आता है कि मैं एक ही इकाई हूँ, इसकी और इसको तोड़ कर कई इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता, ना दूसरी इकाई को साथ जोड़ा जा सकता है, परंतु शरीर जो है कई इकाइयों से मिलकर बना है, तो मैं अपने आप में एक निश्चित एक ही इकाई हूँ, शरीर कई इकाइयों का समूह है, तो इकाई का रूप होगा, गुण होगा, स्वभाव होगा, धर्म होगा, परम धर्म होगा, चैतन्य का भी होगा, जड़ का भी होगा, उन्होंने डिटेल में बात किया था, है ना, व्यवस्थाओं के रूप में बात किया था, स्वभाव धर्म और परम धर्म को लेकर। तो ये दिखता है कि स्वभाव धर्म और परम धर्म जो है ये समझने की वस्तु है, रूप और गुण पहचानने की वस्तु है। भैया जी वस्तु क्या हो गया, वस्तु की समझ कभी आप शब्द यूज करते हैं उसका मतलब, वस्तु मतलब वास्तविकता जो है। अच्छा, मतलब किसी इकाई की वस्तु की समझ होनी चाहिए, ऐसा कुछ, किसी इकाई की वास्तविकता या वस्तु की समझ होनी चाहिए या समझना चाहिए, ऐसा कुछ। इकाई ही वस्तु है, इकाई को ही वस्तु कह रहे हैं, है ना। अच्छा, अब कहीं ना कहीं शब्दों में जाकर हमको एक सीमा तो पहचाननी होगी, तो इकाई कोई वस्तु कह रहे हैं, उसकी वास्तविकता है, वस्तु मतलब जो कुछ भी है, तो मैं भी हूँ, शरीर भी है, जड़ इकाइयां भी हैं और बहुत सारी चैतन्य इकाइयां भी हैं। जी जी समझ में आया, पहले मैं दोनों को अलग अलग कुछ समझ रहा था। जी जी धन्यवाद। बढ़िया भैया, भैया का एक प्रश्न है, सुख के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, संबंध तो है ही, अस्तित्व तो है ही। जी, तो इसको स्पष्ट और हम लोग कर सकते हैं, तो देखें तो जब हमको सुख के स्रोत के रूप में ज्ञान सुनिश्चित हो पाता है, समाधान सुनिश्चित हो पाता है, तो मैं अपने आप में सुखी रहता हूँ, तो सुखी होने के लिए मुझे बाहर से कोई वस्तु नहीं चाहिए, इवन शरीर भी नहीं, है ना, सुख का स्रोत मेरे भीतर है, शरीर तो मुझसे बाहर है। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होता तो हम शरीर से कोई अनुकूल संवेदना पाकर या
शरीर के माध्यम से दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का प्रयास करता हूँ, परंतु जब हमारे अंदर चिंतन, बोध, अनुभव ये क्रियाएं जागृत हो जाती हैं, तो मैं अपने आप में हर क्षण सुखी रहता हूँ। शरीर को साधन के रूप में देख पाता हूँ, साधन के रूप में उसका सदुपयोग कर पाता हूँ, और सदुपयोग के क्रम में दूसरी इकाइयों के साथ निर्वाह करता रहता हूँ, तो मैं स्वतंत्र रहता हूँ। उससे पहले कहीं भी अगर मैं अपने से बाहर किसी भी इकाई पे अगर निर्भर होता हूँ, चाहे शरीर हो, दूसरा मनुष्य हो, शेष प्रकृति हो, तो मैं परतंत्र तो हूँ ही, तो मैं जुड़ा हुआ हूँ ये एक बात है, मैं निर्भर हूँ सुख के लिए अलग बात है। तो मैं शरीर से जुड़ा तो तब भी रहूंगा ज्ञान के बाद भी, परंतु सुख के लिए निर्भर नहीं रहूंगा। अभी भी देखें तो निर्भरता पहले से कम होती जा रही है। पहले जहां अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने का इतना सारा हम प्रयास कर रहे थे, अब वो प्रयास कम होता जा रहा है। शरीर के माध्यम से जो अभिव्यक्ति हो रही है या दूसरों के अभिव्यक्ति को जैसे हम शरीर के माध्यम से आस्वादन कर रहे हैं, उसको जहां हम सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मानते थे, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमको दिखता है कि मेरी उसका भागीदारी है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे के व्यवहार से मैं दुखी हो जाऊंगा, दूसरे के व्यवहार से मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी तो मैं अपने आप में हूं ही समझ और भाव के साथ। दूसरे के व्यवहार को देखकर मैं दूसरे का मूल्यांकन करता हूं और उसके साथ मैं क्या योजना बना सकता हूं, क्या कार्यक्रम बना सकता हूं, उसको तय करता हूं। जी, तो इतनी ही बात है। धीरेन्द्र भैया, जी तो आज हम लोग इसको ऑब्जर्व करें, तो एज इफ हमारे ऊपर कोई कैमरा लगा हुआ है और मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करना है, चलते फिरते, हिलते डुलते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, है ना, मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करना है एज इफ ठीक हमारे से सामने ही एक कैमरा लेकर कोई चल रहा है, उसमें मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। अपने व्यक्ति को देखना है, अपने को बाहर से खड़े होकर देखना है। तो इसको हम आज करें, हमको अपने अभिव्यक्ति के प्रति अवेयरनेस और बढ़ेगी, कैसे हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बाहर किसी भौतिक रासायनिक घटना के प्रति, शरीर में होने वाली किसी घटना के प्रति, दूसरे के व्यवहार के प्रति कैसे हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसको हम कुछ मिनटों में एक बार विधिवत भी कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं थॉरोली, ठीक है ना। और मैं उस स्थिति में कितना परेशान हूँ, कितना आराम में हूँ, ये सब मुझे पता लग रहा है। उसके साथ मेरी हरकत कैसे बदल रही है शरीर के साथ, जरा सा किसी बात से व्याकुल हुआ, पैरों में हरकत आ गई, पैर हिलाने लगे, डुलाने लगे, शरीर से पोस्चर बदलने लगे। अब ये हमें नहीं दिख रहा, दूसरे को दिख रहा है। आप कई बार पाएंगे कि हम घर आते हैं, है ना, या कभी शाम को आ रहे हैं या दिन में बैठे हैं, अब कोई अगला व्यक्ति कह रहा है क्या बात है, तुम्हारा मूड ऑफ है क्या। अब वो हमें नहीं पता चल रहा, बट दूसरे को पता चल रहा है हमारी हरकत को देखकर, क्या बात है, किसी बात से परेशान हो क्या। तो हमारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन जा रहा है, हम पहले जैसे एक्टिव थे घर में, फॉर एग्जाम्पल शाम को घर आते थे, सबसे इंटरेक्ट करते थे, हंसते बोलते थे, आज नहीं हंसा बोला हमने, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, अगले को दिखाई दे रहा है। हम तो अपने विचारों में गुम है, कॉलेज में कुछ हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया, है ना, हमें किसी ने उलझा दिया किसी प्रसंग में, अब हम उसी विचार को लिए हुए घर आए हैं, आए और थके हारे से बैठ गए सोफा पे, अपने अंदर उधेड़बुन चल रहा है। तो अगले को तो दिख रहा है कि पहले जैसे आते थे और इंटरेक्ट करते थे, हर एक कमरे में जाते थे, बात करते, अब नहीं हो रहा, इस सोफे बैठ गए और उधेड़बुन में लगे हुए। तो कोई पूछ लेता, भाई ऑफिस में आज कुछ हुआ क्या, क्यों परेशान दिख रहे हो। तो अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाए, तो इन बातों को हम खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं। बढ़िया, तो इन सब चीजों के आधार में हमारा संस्कार क्या है वो भी देखना है, तो अपने ऑब्जर्वेशन को शार्पन करना है। और जी बढ़िया भैया, तो समय हो चला है भैया, कुछ अनाउंसमेंट तो कर दें। जी भैया, आज मीटिंग के बारे में बात रखनी थी, तो सभी को धन्यवाद। तो आज मंथ का फर्स्ट संडे है और महीने के फर्स्ट रविवार को हमारी एक नेशनल कंबाइन मीटिंग होती है, जहाँ पे सारे मतलब देश भर से जो वॉलंटियर्स है वो वहाँ पे, तो हिंदी में मीटिंग 11 बजे तक होती है और इंग्लिश में 5:30 बजे तक होती है। इसमें रिसोर्स पर्सन हमारे साथ में जो हमारे एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसी तरह से जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है।
बाद में कीनोट एड्रेस रहेगा, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है सर्वशुभ के लिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स फॉर वेलबींग ऑफ ऑल, और उसी तरह से कुछ वॉलंटियर्स अपनी शेयरिंग भी रखेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया इस मीटिंग को ज्वाइन करें। इसकी जो लिंक है रजिस्ट्रेशन की वो चैट बॉक्स में अवेलेबल है, और जैसे मतलब पहले एक ईमेल से लिंक आती थी वो अभी नहीं आ रही है, तो कृपया आप इसी जो रजिस्ट्रेशन लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल रहेगी उसी को यूज करते हुए कृपया ज्वाइन करें। तो सभी का धन्यवाद भैया, आज इतनी बात रखी थी। जी भैया, रोक लेते हैं, यही होमवर्क आज के लिए। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।